स्वागत है आप सबका लाइव लॉ में मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आज हम बात करेंगे कामख्या देवी मंदिर के बारे में आए सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा 2017 में पारित आदेश को निष्क्रिय करार दिया जिसमें उपयुक्त को गुवाहाटी में कामख्या मंदिर में विकासनात्मक गतिविधियों के लिए भक्तों द्वारा दिए गए दान को प्राप्त करने और उसी के संबंध में एक अलग खाता बनाए रखने का निर्देश दिया गया था जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने आदेश दिया कि डोलोई समाज जो कि मुख्य पुजारी का समाज है द्वारा मंदिर के मामलों के प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था के मद्देनजर उस न्यायालय का आदेश लागू नहीं होगा न्यायालय ने आसाम सरकार के इस कथन पर ध्यान दिया कि वर्तमान में डोलोई समाज स्थानीय प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय में मंदिर प्रशासन के मामलों को संतोषजनक ढंग से चला रहा है और वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है 2015 में उच्च न्यायालय ने उपयुक्त को भक्तों और जनता द्वारा दिए गए दान को प्राप्त करने का निर्देश दिया था और ऐसे दान का एक अलग खाता रखना चाहिए और इसे कामाख्या मंदिर की विकासनात्मक गतिविधियों के लिए खर्च करना चाहिए बाद में इस आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए कहा गया कि कामाख्या मंदिर के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के प्रबंधन पर डोलोई का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मान्यता दी गई है इस प्रकार तदानुसार ये तर्क दिया गया कि उपयुक्त को भक्तों और जनता से प्राप्त दान का एक अलग खाता रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता 2017 में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए समीक्षा का निपटारा कर दिया कि प्राप्त दान केवल मंदिर की विकासात्मक गतिविधियों के लिए होगा ना कि सामान्य चढ़ावे के लिए फिर इसे खारिज कर दिया हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई शीर्ष न्यायालय के समक्ष आसाम राज्य ने एक हलफनामा पेश किया जिसमें बताया गया कि मां कामाख्या कॉरिडोर से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए 13 अगस्त 2023 को एक बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता आसाम के मुख्यमंत्री ने की उसमें यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में डोलोई समाज स्थानीय प्रशासन के साथ निकट समन्वय में मंदिर प्रशासन के मामलों को संतोषजनक ढंग से चला रहा है और वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है इसके बाद 8 नवंबर 2023 को राज्य द्वारा दायर एक अन्य हलफ़नामे में यह आश्वासन दिया गया कि आसाम सरकार पीएम डिवाइन योजना के तहत मंदिर की विकास गतिविधियों को सक्रिय रूप से ले रही है हलफनामे में कहा गया है आसाम सरकार पीएम डिवाइन योजना के तहत मां कामाख्या मंदिर की विकास गतिविधियों को बड़े पैमाने पर ले रही है इसके अलावा राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा ये भी निर्णय लिया गया कि मंदिर शाखा के एक बचत बैंक खाते में पड़ी एक निश्चित राशि जो कि लगभग लाख है उसको दो सप्ताह के भीतर डोलोई समाज को सौंप देना चाहिए तदनुसार खाता बंद कर दिया जाएगा शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में इन हलफनामों में राज्य द्वारा दिए गए आश्वासनों को दर्ज किया और उसने इन्हीं के मद्देनज़र आदेश दिया कि इसलिए विवादित आदेशों को अब लागू करने की आवश्यकता नहीं है और हम निर्देश देते हैं कि विवादित आदेशों के बजाय राज्य सरकार के उपरोक्त हलफनामों में जो दर्ज है और मंदिर के मामलों के प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी हम राज्य सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हैं कि वे पीएम डिवाइन योजना के तहत बड़े पैमाने पर मां कामख्या मंदिर की विकास गतिविधियां चला रही है उक्त आश्वासन का राज्य सरकार द्वारा सही अर्थों में पालन किया जाएगा अगर आपको यह खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप हमें अपने व्यूज बता सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में और ऐसे ही ताजा और अच्छी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइव ब्लॉगो